बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसान चना चाट। झटपट तैयार हो जाने वाली, घर में मौजूद जो भी चीज़ें हैं सिर्फ उनसे चना चाट बनानी है। कोई इस आपने इसमें स्पेशल इंग्रीडियंट ऐड नहीं करनी है और खाने में बहुत मज़ेदार है। जो भी बंदा आपकी चाट एक दफ़ा खाएगा वो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि हमें ये चाट ना के दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मुट्ठी ले लेंगे धनिया, एक मुट्ठी ले लेंगे पुदीना और तीन से चार ले लेंगे हरी मिर्च। और उसको हम कर लेंगे चॉपर में चॉप, यानी कि इसको आपने दानेदार चटनी बनानी है। अगर आप इसको ब्लेंडर, आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर में इसको बना सकते हैं। ब्लेंडर में जस्ट आपने एक सेकंड उसका बटन क्लिक करना है और फौरन इसको छोड़ देना है, यानी कि आपने बिल्कुल इसका वो मिल्क शेक टाइप नहीं बनाना, ठीक है। उसके बाद आप इसको चट्टूबट्टे में बना सकते हैं। उसके बाद हमने ले लिए सफ़ेद चने उबले हुए आधा कप, दो से तीन आलू ले लिए, आप उसको काट लें जिस साइज़ में आप इसको, जो नॉर्मल साइज़ आप रखिएगा, ज़्यादा बड़ा साइज़ में मत काटिएगा। उसके बाद हम इस प्याज ले लेंगे एक अदद बारीक कटा हुआ। उसके बाद हम ले लेंगे टमाटर बारीक कटा हुआ एक अदद। बंद गोभी हम लेंगे एक चौथाई आप ले लें, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी सी हमने ऐड करी है जस्ट कि ये इसका क्रंची पन जो होता है ना वो आपकी चार को चार चांद लगा देगा, ठीक है। तो उसके बाद हम मिर्चें ऐड कर लेंगे, हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से ऐड करें जितना स्पाइसी आप खाना पसंद करते हैं। उसके बाद आधा कप मैंने इसमें दही ऐड किया है। दही जस्ट आपने कोटिंग के लिए ऐड करना है, ठीक है। मैं ये तीन से चार अफराद के लिए चाट बना रही हूँ और आप उस हिसाब से जो है वो अपने इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं जितने आप अफराद के लिए बना रहे हैं। उसके बाद जो हमने हरी चटनी बनाई है वो हमने इसमें एक चम्मच डालना है, बाकी चटनी आप सेव करके रखते हैं, फ्रीज़र में रखेंगे तो ये आप उसको एक माह तक यूज़ कर सकते हैं। ये खट्टी मीठी इमली और आलू बुखारे की चटनी जो आपको बनाना सिखाई है, फिर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये आप किसी भी चाट में ऐड करें, कि दही भले में ऐड करें, बहुत शानदार बहुत मज़ेदार टेस्ट देती है कि आपकी जो खाने का चाट का जो टेस्ट होता है ना वो दुबाला हो जाता है और इसकी खुशबू जो है वो कमाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम है, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा दे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला, ठीक है। चाट मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए, आप कितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, ठीक है। रमज़ान में क्योंकि कम स्पाइसी ही चीज़ें खानी चाहिए। उसके बाद आप इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इससे अच्छे से कर दें मिक्सिंग, हमारी जो चाट है वो रेडी है, ठीक है। देखें जस्ट आपने आलू और चने से जो है वो चाट बना लिए, बहुत मज़ेदार। आप इसको मस्त ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से लाजमी गा कीजिएगा। आप इसको बनाएंगे आप तो आपसे रोज़ाना इसको बनाने की डिमांड की जाएगी कि हमने वही चाट खानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी में हाजिर होंगे। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।